अभी बस सैटरडे को मेरे पास एक ही काम रहता, सबको चाय बनाते जाओ, सबको चाय पिलाते जाओ। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करिए क्योंकि आज सब आए हुए ना, इसलिए थोड़ी ज़्यादा आवाज़ें हैं घर में आज। तो चलिए चाय पीते हैं। चले चलो भाई चले चलो। तो ये देखो मेरी राइटिंग वैसे तो बुक पे अच्छी नहीं है, मगर बोर्ड पे तो भी थोड़ी बहुत अच्छी दिख जा रही है। सो गाइस, नूरैन को ऐसा लगता है कि उसकी राइटिंग सबसे अच्छी है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे आप खुद ही देख लो कि किसकी राइटिंग अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी राइटिंग अच्छी है, मगर है कोई जिसकी राइटिंग अच्छी है, अभी देख लो आप। अदिशा की राइटिंग मेरे को ज़्यादा अच्छी दिख रही अपने से, है ना? नहीं, अदिशा की राइटिंग ज़्यादा अच्छी दिख रही। क्यों लिखी तूने ये? मेरी राइटिंग अच्छी दिखना चाहिए था सबको। अच्छे है दिशा, अच्छा लिखी यार। इसकी बुक में भी राइटिंग इतनी अच्छी है। सो गाइस, यहाँ पे देखो नूरैन है ना, खुद का नाम ही अच्छा लिख सकते, वो भी उर्दू में। अरे अभी देखो आगे मेरा नाम कैसा लिखेंगे, देखते हैं। खुद का नाम इतना अच्छा लिखना आता मैडम आपको? वो नून अच्छा लिखना है। उर्दू में अच्छा लिखे। अब किसका लिख रहे हैं आप? किसका लिखूं? अरीशा। भारत मेरा मूल पूरा। अरे पहले चलो लिखो अरीशा का तुम। भारत ये वाला अच्छा नहीं है। चलो दूसरा नमरा। मेरा रुको ना मम्मा जी ने देखो है ना, ये नंद लिख रहे ना, तो ये द बन जाता है ऐसा। अरबी में हाँ भी ऐसा नहीं आना। चलो अब मैं लिखती हूँ। गाइस अभी आप टेंशन मत लो कि ये क्या बन रहा, मैं ना यहाँ पे गुलगुले बना रहा। अरे यार ये देखो अंगूठी उतारना भूल गया, नहीं गंदी हो गई। गुलगुले गुलगुले बन गए, इसलिए बोलते कोई चीज़ नहीं जल्दी सीखना नहीं, अगर वो चीज़ बनाना आपको आ गई ना मालूम। कम से कम एक जब से आई ना बनाना, एक महीने में मैंने 5 से 6 बार गुलगुले बना दिए अब तक घर में। वैसे तो सिर्फ शादी के टाइम पे ही गुलगुले खाते थे और मामी रमज़ान में बनाते थे तो बस वही खाते थे, मगर जब से मेरे को आए तब से ये तो एकदम परफेक्ट। गाइस अभी ये तेल गरम हो रहा है और ये आप सोचेंगे ये क्या आ रहा है ऐसा फिश के जैसा, तो यहाँ पर जो है ये खिड़की है समझे। तो अभी यहाँ पे तेल जैसे गरम होता है तो हम वैसे ये गुलगुलों को तलेंगे। हमारा गुलगुलों का टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़े बड़े बड़े बनाता भाई। So guys, बनने में आ गए हमारे गुलगुले। सो गाइस ये है नमराज स्पेशल गुलगुले, अगर आपको खाना है तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए आप खाने के लिए। कैसा कांटेक्ट करेंगे कमेंट में बोल देना, मुझे भी चाहिए, हम आपको इमोजी सेंड कर देंगे गुलगुला की।
और नेक्स्ट टाइम और हम व्लॉग में बना के हम खा लेंगे, तो आप समझ जाना कि आप लोग खा रहे हैं हमारे गुलगुले। मगर ये गुड़ के नहीं है, ये ना शक्कर के है, क्योंकि मेरे को गुड़ मिला नहीं घर में, कहाँ पे रखे थे मम्मा ने पता नहीं। और वैसे भी अभी नीचे नानी के घर में हूँ ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी शक्कर के बना रही हूँ। मुझे पता नहीं गुड़ है या नहीं है, इसीलिए जो हमको आता है हम वही बनाते हैं। आपको अगर खाना है तो आप खाइए, वरना मत खाइए। ये मैंने गुलगुले, गाइस आपको ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे नूरैन मौजूद है, तो वो नहीं है। आपको लग रहा होगा कि वो फुल टाइम मेरे साथ में रहती है बनाते टाइम, नहीं, सिर्फ वो व्लॉग शूट करने के लिए मेरे साथ थी, और अभी देखो चले गए। अभी यहाँ पर कौन है, दिलहारी। गाइस ये गुलगुले बन चुके हैं, इतने नहीं बने, इससे ऐसी फुल एक और एक बनी थी जो सबने खा लिए। और अब इतने बचे, इससे पप्पा को उनको सबको रखेंगे, और अभी वहाँ लेके चलते हैं सेकेंड टाइम। गाइस अभी ना मैं नूरैन को कब से बोल रहा हूँ मेरे साथ चलो, मेरे को ना गाड़ी चलाने में बहुत डर लगा क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो मैंने नूरैन को कहा मेरे साथ चलो, क्योंकि ना मुझे ड्रेस सिलाना है मेरा, क्योंकि मेरी बर्थडे है। मगर नूरैन मेरे साथ चल रहे नहीं और आप ही भी नहीं चल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, कोई मेरा सुनने को तैयार नहीं है। अब पैदल जाओ तो इतना भी दूर नहीं है घर से, मगर फिर भी थोड़ा डर लगता है मेरे को गाड़ी चलाने में अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सीडेंट वो हो रहे हैं यहाँ पे घर के पास इधर उधर, तो मैं समझ नहीं आ रहा किसके साथ जाऊँ मैं। नूरैन प्लीज़ चलना मेरे साथ में। अरे बोझी मेरे पैर में अंगार है, प्लीज़। कैरम पार्टी चल रही है अभी यहाँ पे यार, ये ऐसा जमाते के कहीं गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।